हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ में खुश आमदीद, मैं हूं इमरान सुल्तान। बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर 25 दिसंबर 2017 पाकिस्तान ने एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर और जज्बा खैर सगाली के तहत उस भारतीय जासूस को कि जिसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया और बाकायदा उसने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए यहाँ पर मौजूद था, एक नेटवर्क चला रहा था। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ कुलभूषण जाधव की, जिसे 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया और अपने एतराफ़ी बयान में उसने वाज़ह तौर पर कहा कि वो पाकिस्तान में कराची में बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उसमें मुलव्वस रहा, एक पूरा नेटवर्क चला रहा था और उसका टारगेट था सीपैक, कि जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा है किसी तरीके से इसके सबोताज किया जा सके। और जाहिर है कि वो भारतीय जासूस, न सिर्फ भारतीय जासूस बल्कि इंडियन कमीशन ऑफिसर है, इंडियन नेवी का और सर्विंग ऑफिसर है। तो इस शख्स को बाकायदा पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और 22 माह बाद इसकी माँ और इसकी जो बीवी हैं, इन दोनों से इसकी मुलाकात का बंदोबस्त किया पाकिस्तान ने जज्बाए खैर सगाली के तौर पे, जिसमें भारत ये क्लेम करता है, भारतीय मीडिया ये क्लेम करता है कि इसे बड़े जो ICJ जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो इसका मुकदमा लेके गए और वहाँ से उनके दबाव पे आके पाकिस्तान ने ये मुलाकात कराई। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपनी जो एक्सप्लेनेशन दी है हमारे DGISPR ने कि अगर उनकी दबाव पे ऊपर ये मुलाकात होती तो उसको काउंसलर एक्सेस का जो है वो दिया गया होता, जो कि नहीं दिया गया। तो पाकिस्तान ने ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जज्बाए खैर सगाली के तौर पर कराई। आज के प्रोग्राम ने इस पूरे इशू को, भारतीय मीडिया इसको किस तरीके से लेके चल रहा है, भारतीय जो पॉलिटिशियंस हैं जाहिर है कि उनकी दुकान भी सिर्फ इसी वजह से चलती है कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ जितनी बातें करें तो वो आगे इलेक्शन में भी कामयाब होते हैं और आवाम में भी थोड़ा सा उनको सुकून मिलता है पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलकर। तो इस तमाम मौजू पे हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल से आपका तारुफ कराता चलूं, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, आप अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है तारिक पीरजादा साहब ने, आप तजियाकार हैं और पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं भारतीय मीडिया में जाकर, और इस वक्त उन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया अपने बहुत से प्रोग्राम्स में इंडियंस जो कि दो दो तीन तीन चार चार एक एक वक्त में उनके सामने जो है मुबसर बिठाए गए और पाकिस्तान को जिस तरीके से खराफात पाकिस्तान के हवाले से बकी गई तो उस पर बड़ा डिफेंड किया और उल्टे तीर उन्हीं की तरफ बरसाए तारिक पीरजादा साहब ने। सर हैट्स ऑफ टू यू और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। हम कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मुलाकात किस तरह से हुई और इस पर भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मुलाकात के हवाले से सुषमा स्वराज जो कि जाहिर है कि उनकी वजीर खारजा हैं, वो क्या कहती हैं, आइए देखते हैं। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। दियारे गैर में मेहमान नवाजी की तारीफें और घर लौटते ही इल्जामात की भरमार, मोदी सरकार का शर्मनाक रवैया आज भी बरकरार। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज लोकसभा को कुलभूषण से वालदा और बीवी की मुलाकात पर ब्रीफिंग देने आईं तो बौखलाहट उनके लफ्जों से वाजे नजर आई। परिवार के सदस्यों को पिछले दरवाजे से बैठक के लिए ले जाया गया, इसीलिए वो उनका ये स्वरूप नहीं देख पाए कि उनके वस्त्र बदलवा दिए गए हैं, उनकी बिंदी चूड़ी मंगलसूत्र उतरवा कर उन्हें मीटिंग में ले जाया जा रहा है, वरना वो वही विरोध जताते। सिद्दीकी साहब, ये मतलब हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो हमेशा उनकी नजर ही अलग है, उनकी नजर ही बुरी है देखने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आज टेलीविजन का
उसने इस इंतहाई अहम मौजू पर आज ये गुफ्तगू रखी है और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्दों के सरगना से एक ऐसी मुलाकात करवाई है जिसका कोई हक उसको किसी भी कानून के तहत हासिल नहीं है। ये मुलाकात किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दबाव पर नहीं हुई, ये पाकिस्तान की तरफ से सरासर एक एहसान है कि जो भारत के ऊपर किया गया, और पाकिस्तान ने हुकूक इंसानी का बढ़कर ख्याल किया है। लेकिन इस मौके पर चूंकि भारतीय वजीर खारजा को अपना मंजन बेचना है और हम सब देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर इसके बावजूद इल्ज़ामात की बौछार कर रही हैं, बरसात कर रही हैं, और हैरान कुन बात यह है कि इस खास मौके को भी भारत ने मजीद जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है, जो इंतहाई शर्मनाक है। मतलब वो उनके शू में, जूती में जो उनके जूते में से जो चिप मिली है और जिस डिवाइस को पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पकड़ा है और जो जिसके बारे में इस वक्त इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, अगर ऐसी मुलाकात थी तो हकीकतन इसको बीवी और शौहर की मुलाकात होना चाहिए था, माँ और बेटे की मुलाकात होना चाहिए था। लेकिन भारत इस मुलाकात को भी कुछ ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, और मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर जो कुछ दिखाया जा रहा है और जो पाकिस्तान ने हक उनको दिया है, आज कश्मीर में और भारत में सियासी कैदियों को वो हक कतअन हासिल नहीं है, वरना ऐसे टेररिस्ट्स और टेररिस्ट्स को पैदा करने वाले उनको कतअन दुनिया के अंदर इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती कि वो अपनी फैमिली से मुलाकातें करते हैं। ज़रा तारिक पीरजादा साहब की तरफ चलते हैं। पीरजादा साहब, सबसे पहले तो सुषमा स्वराज जो कहती हैं कि जनाब अगर वो चिप या इस टाइप की कोई डिवाइस थी तो वो एयर इंडिया से कैसे ट्रैवल करके पहुंच गई और उसके बाद एमिरेट्स एयरलाइन जो है उसने कैसे अलाउ कर दिया, उसने कैसे कोई चीज़ जो है वो डिटेक्ट नहीं की। लेकिन बात सारी है कि सर उनका जो प्लान था, जो शेड्यूल था इस मुलाकात का, वो तो सीधे दफ्तर खारजा पहुँचना था, वो क्यों गए यहाँ से रॉ के प्लान के हिसाब से, फिर वो क्यों दफ्तर खारजा से पहले इंडियन हाई कमीशन गए? जब इंडियन हाई कमीशन गए तो फिर इसका मतलब है कि वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल, आपने बहुत ही कलीदी नुक्ता उठाया है। देखिए, बात यह है कि असल में तो इनको जहाज से उतरने के बाद इन दोनों खवातीन को सीधे फॉरन ऑफिस आना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि उनको, जैसा कि आपने खुद फरमाया, उनको इंडियन एम्बेसी ले जाया गया। वहां जाकर सिर्फ यही नहीं कि कोई चिप लगाई गई, उनको वहां के इंटेलिजेंस अफसरों ने रॉ के कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उनको ब्रीफिंग की, उनको सवालात समझाए कि सवाल क्या सवाल करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह पाकिस्तानियों से रब्ता करना है, किसी क्या कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। और उसके अलावा जो मेटेलिक चिप है वो तो आप पकड़ी जा चुकी है। अब मैं इस बात की तरफ आता हूँ, मैं आता हूँ सर आपकी तरफ आता हूँ। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगा। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे थे तारिक पीरजादा साहब से। सर, इससे पहले कि आप कंटिन्यू करें, मैं एक चीज जरा और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कुलभूषण की एहलिया से पाकिस्तानी सलूक पर वावेला भारतीय अखबार ने भी मुस्तरद कर दिया। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव से मुलाकात के मौके पर उसकी एहलिया का मंगलसूत्र उतरवाने और कपड़े तब्दील करवाने पर भारतीय वजीर खारजा का वावेला भारतीय अखबार द हिंदू ने, भारत का बड़ा अखबार है द हिंदू, इसने भी इसको मुस्तरद कर दिया। और अखबार ने अपने इदारे में लिखा कि भारत की जेल में भी मैनुअल के तहत मुलाकातियों से बेशतर धाती अशिया और आराइश की दीगर अशिया उतरवाई जाती हैं, जबकि दुनिया भर में कैदियों को अहले खाना से मुलाकात शीशे के पीछे से ही कराई जाती है। जी पीरदादा साहब जी, वो बात यह हो रही थी
कि ये जहाँ तक वो कि वो फलाएँ एयरलाइन से आई और वहाँ पर स्कैनर से गुजरी तो वहाँ पर तो कोई उसे क्या कहते चीज़ उनके पास से नहीं निकली, फिर उसके बाद वो एमिरेट्स की फ्लाइट से आई वहाँ पे भी कुछ नहीं निकली। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर दूँ, दुनिया में 50 साल से सफ़र करते हुए मुझे भी हो चुके हैं, मैं आपको एक बात, कहीं पर भी स्कैनर्स या डिटेक्शन के जितने ये आलात हैं वो इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, इतने ज़बरदस्त और मुकम्मल नहीं होते हैं कि हर चीज़ उनकी नज़र से जो आए उस पर गिरफ्त हो सके। यही वजह है कि हर नए मरहले पर दोबारा स्कैनर से गुजारा जाता है, हर मरहले पर। लेकिन सर ये रूल आउट हो जाता है ना, रूल आउट हो जाता है, फर्ज करें अगर उन्होंने वो तो आधे घंटे के लिए इंडियन हाई कमीशन गए वहां, उसके बाद से वो दफ्तर खारजा आ रहे थे ना, तो ये तो रूल आउट कर दिया आपने। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जबकि वो इजाफी एक बात हो गई कि वो इंडियन हाई कमीशन गए तो वहां पर तो रॉ का पूरा सेटअप है, रॉ का पूरा एक उसके कहते दफ्तर है, वहां पर रॉ के ऑफिसर हैं, उन लोगों ने जो कुछ किया या उनके जूतों या दूसरे सामान में जो चीज़ें भी लगाई वो बिलाखिर उनमें से किसी चीज़ ने तो इसलिए पकड़ा जाना था कि फॉरेन ऑफिस में जाते हुए और ये सुषमा ये इसकी वालदा तो क्या और बीवी तो क्या कुलभूषण की, हम जो सहाफी जाते हैं हमें भी स्कैनर से गुजरना पड़ता है। तो ये लोग असल में प्रोपेगेंडा करने के लिए, एक गाली देने के लिए पाकिस्तान को। लेकिन एक और बात मैं बताता हूं, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान को गाली देना एक तरफ वो तो है सो है, असल मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी खुशगवार हालात पैदा हो जाए कि जिनमें पाकिस्तान ये मुतालबा कर सके कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान कश्मीर पर मुज़ाकरात के लिए दोबारा तैयार हो। चाहे उस नुक्ते को पैदा होने से पहले के पैदा होने से पहले उन्होंने वो पाकिस्तान पर पहले दिन बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया, दूसरे दिन कपड़े और जूतियां उतारने का इल्ज़ाम लगाया, तीसरे और उसके साथ साथ कुलभूषण को ज़ख्मी करने का जो उस जो एक पखंड जिसको कहते हैं वो मचाया। चुनाचे आप देखें कि सारी उस कोशिश का जो मकसद था वो ये था कि वो माहौल ही ना पैदा हो सके जिसमें पाकिस्तान उस तरह मुतालबा करे कश्मीर के मुतालिक मुज़ाकरात। अच्छा, और रखते हैं एक सेकंड, हाँ हम ये भी बताते चलें कि सीनियर रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं इंडिया के लोकसभा के, उन्होंने इजलास के बाद मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें कहा कि कुलभूषण की बीवी के गले से जो मंगलसूत्र उतरवाया उसको उन्होंने महाभारत के अहम किरदार जो द्रौपदी है उसको बेलिबास करने से उसका मुतरादिफ है, और कहा कि ये एक मजहबी जो है वो मामला हो चुका है और इसकी इस तौहीन का हल जो है वो जंग है। बहरहाल इंडिया में भी अगर वहां पे उनका कोई रुकने पार्लियामेंट सही बात करता है तो उसके खिलाफ जो है एक सबके जाने की कोशिश होती है, और इस वक्त जो मैं हवाला दे रहा हूं वो वहां पे इंडियन नरेश अग्रवाल जो रुकने पार्लियामेंट हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मानता है कि कुलभूषण जाधव एक जो है वो स्पाई है, कुलभूषण जाधव एक जासूस है, तो पाकिस्तान उसी तरीके से उसके साथ बर्ताव कर रहा है, इस जगह भारत में भी जो है जासूसों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। क्या कहना था नरेश अग्रवाल का और उसका जवाब जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा, जरा आइए आपको भी दिखाते हैं। देश की क्या नीति है वो देश जानता है, अगर उन्होंने कुलभूषण जाधव को एक आतंकवादी अपने देश में माना है तो वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे, हमारे देश में भी आतंकवादी के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, कड़ा व्यवहार करना चाहिए। और मैं नहीं समझ पाता मीडिया सिर्फ कुलभूषण यादव पर क्यों बात कर रहा है, पाकिस्तान के जेल में सैकड़ों हिंदुस्तानी बंद हैं, सबकी बात क्यों नहीं की जाती, मैं नहीं समझ पा रहा। क्या कहना था इस वक्त भारतीय पॉलिटिशियंस का और उसके ऊपर क्या रद्दअमल है दीगर पॉलिटिशियंस का, ये भी आपके सामने रहा। डॉक्टर मिराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, सर अगर कोई सही बात करता भी है तो वहाँ पे बिल्कुल उसको तो वो इज्जत और जान का मसला बना लेते हैं। जी बिल्कुल, बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इससे पहले जो आज भारत के अंदर अजीत डोवाल मौजूद हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी में एक तवील अरसे तक खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं और वो भी रॉ से मुतालिक रहे हैं, आज भी मुतालिक हैं और पाकिस्तान अलल ऐलान कहते हैं। जी बिल्कुल, यानी उनका तो बहुत सारी जगहों पर इस बात का
इजहार मौजूद है कि वो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी उनका मकसद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से नरेश अग्रवाल ने एक रैशनल बात की है, लेकिन उसकी इस रैशनल बात को के सामने आज हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हकीकतन इंसानियत का दामन हाथ से छोड़ा है, जिन्होंने दहशतगर्दी की मदद करना शुरू कर दी है, और जो भारत के इन जारहाना अजायम के हवाले से पाकिस्तान के इस एहसान को मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत आगे बढ़कर हकीकतन कुलभूषण जाधव को जिस किस्म की मदद दी है इसकी शायद इस तरीके से देखे ना, एक स्टेटमेंट दिया था ना ओमपुरी ने, एक स्टेटमेंट दिया था, क्या हाल किया, जान से हाथ धोने पड़े उसको। तो ये जो अदम बर्दाश्त है वहां पे, वो जो है वो जारे के किसी भी मुआशरे के लिए सही नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जो उसने बिछाए हैं चुनाते, जब उसकी माँ उससे मिलने के लिए फॉरन ऑफिस आती है तो वो किसी आम बेटे से मुलाकात के लिए नहीं आती है, वो एक हिंदुस्तान के बाकायदा भेजे हुए दहशतगर्द से मुलाकात के लिए आती है जो इत्तफाकन उसका बेटा है। ये इसकी सही नौयत है इस पूरे मामले की। इसके अलावा इसको देखने का और कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक इंडिया के मीडिया का ताल्लुक है, मैंने तकरीबन 3-4 दिन में कुछ 16 से 18 प्रोग्राम किए हैं, वहाँ नुकता नज़र ये होता है कि पहले पाकिस्तान को आपने हर हाल में हर नुक्ते पर जिस पर भी बहस शुरू की जाए गाली देनी है। पाकिस्तान बैशिंग, पाकिस्तान को गाली देनी है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से नथी करना है। चाहे होता यह है कि एक तारिक मिर्ज़ादा या एक आध कोई और उसके साथ सामने 6 से 8 हिंदू तजियाकार या गैर तजियाकार गाली गलोच करने वाले, चाहे वो 10 या 20 सेकेंड हमें देते हैं और उसके बाद वो कहते इस तरह है कि जनाब अच्छा ये बताइए पात्रा जी, ये आप इसका किस तरह जवाब देंगे जो तालिक नहीं एग्जैक्टली वो ये कहते हैं कि इसका जवाब भी देंगे, जरा आप इनको मुंह की दिखाइए, जरा आप इनको तमाचा मारिए। इंडियन मीडिया कहता है बेचारे, एक हैजान अंगेजी एक हसियानी सी कैफियत है वो उनके एंकर्स की। जी 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 जी, उनके लफ्ज जो होते हैं वो ये होते हैं कि जनाब ये तारिक मिर्ज़ादा को मजा चखा दीजिए, इनका दिमाग ठीक कर दीजिए। यानी वो एक मेजबान जो है एंकर, वो एंकर नहीं होता, वो खुद पार्टी होता है। तो तमाम इंडिया के चैनल बड़े बड़े 10, 20, 30 जो हैं, उन पर यही एक गलाजत होती है कि वहां बैठकर संजीदा गुफ्तगू नहीं होती बल्कि पाकिस्तान को दी जाने वाली गाली का आपको जवाब देना पड़ता है। चाहे उसमें मेरी स्ट्रेटेजी यही रही है कि पहले 10-20 सेकंड में जल्दी से अपने काम की बात कहने के बाद कश्मीर की हो कुलभूषण की हो फिर उनके साथ हमें उनके साथ तसादुम करना पड़ता है। ठीक है दी, तो सही कहा ना डॉक्टर साहब ने, सही कहा कि हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो वो उनका जो मीडिया है, मीडिया मैनेजमेंट जो है, वो इस तरीके से इस जंग को, इस मामले को लेकर चलते हैं। वो तो कश्मीर के ऊपर भी जो है पूरी दुनिया को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भारत के साथ जुल्म हो रहा है। जी जी, मैं एक बात और करूं जरा जल्दी से, आपको याद आ जाएगा सुषमा स्वराज के हवाले से, और उन्होंने सरताज अजीज के साथ बैठकर एक दस्तावेज पे दस्तखत किए, ये पठानकोट से पहले की बात है, और उसमें कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का डायलॉग या मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, लिहाजा ये दस्तावेज कहती है कि इसमें दो नुकतों पर बात होगी, एक दहशतगर्दी, दूसरे कश्मीर और दूसरे मसाइल। आपने ये देखा जो ही पठानकोट का वाकया हुआ, चूंकि उनकी नीयत मुज़ाकरात शुरू करने की नहीं थी, जिस तरह के इस वाक़े के पस मंजर में भी खुशगवार माहौल को खत्म करने के लिए उन्होंने इकदाम इसलिए किया कि कहीं मुज़ाकरात की तरफ बात न चली जाए। चूंकि सुषमा स्वराज ने फौरी तौर पर पठानकोट के बाद कहा अब तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अब तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी साहब, अभी हम जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो स्टेटमेंट अभी हमने सुना था, तो वहाँ पे कहा यह गया कि उनका जो एक बड़ा तारीखी किरदार है महाभारत की, वो द्रौपदी, उसको बेलिबास किया गया, जैसे उसको उन्होंने ताबीर किया कि इनकी बीवी का मंगलसूत्र और बिंदी जो उतरवाई और जेवर वगैरह जो उतरवाया, जाहिर है कि वो उस प्रोटोकॉल में भी आता है। तो अब इसी पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि 11 दिसंबर 2013
जो भारतीय कॉन्सुलेट जनरल की डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल देवयानी खोबरागड़े का एक वाकया था, अमेरिका में उसकी स्क्रिप्ट चेकिंग हुई थी, उसकी बरहना तलाशी ली गई थी, तो उस वक्त जो है ओबामा साहब थे, अब ओबामा साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम हुआ इंडियन डिप्टी कॉन्सुलेट जनरल के साथ, तो ये यहाँ पे इस पे ऐसे स्टेटमेंट नहीं आया उनका इंडियंस का? देखिए, इस पूरी सूरत हाल के अंदर हकीकतन इंडियन मीडिया और इंडिया के दफ्तर खारजा से मुतालिक लोग, उनके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि बक रहा था जुनू में क्या क्या कुछ, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। और बुनियादी बात यह है कि दुनिया भर के अंदर जो कवानीन मौजूद हैं, उन कवानीन के तहत जो कैदियों से मुलाकात करवाई जाती है, उस मुलाकात के अंदर वो जितना मेटल जिस्मों के ऊपर मौजूद होता है उसको उतरवा लिया जाता है। और मेरा ये ख्याल है कि ये इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी एक इसको बहुत ज्यादा हाइप दे रहे हैं, वरना हकीकतन जो जिस्म के ऊपर, लेकिन सर ये तो एस्टैब्लिशन है कि वो जो जेनेवा कन्वेंशन वगैरह अगर रिलीफ की भी बात करते हैं तो वो कैदियों के हवाले से होता है, जासूसों के हवाले से भी शायद हो सकता हो, लेकिन दहशतगर्दों के हवाले से नहीं। बल्कि मैं कहूंगा कि कुलभूषण यादव सिर्फ एक दहशतगर्द नहीं, वो दहशतगर्दों का खालिक है। और भारत को भी ये बात समझना चाहिए कि मेरी हो या तेरी हो, हर लाश भयानक होती है, और दहशतगर्दी की मदद करने वाले, दहशतगर्दी को ये तख्लीक करने वाले वो इंसानियत के दोस्त नहीं हो सकते। मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जानिब कदम बढ़ाया है, लेकिन हिंदुस्तान का रवैया मुस्तकिल ये नज़र आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस डिस्ट्रक्टिव मेजर्स की जानिब जा रहा है, वो एतमाद को तबाह करना चाहता है। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान अगर कोई इशू मौजूद है तो कश्मीर का इशू है, लेकिन वो उस इशू के ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या इंडिया ने कभी इतना जेस्चर दिखाया कि मिशाल मलिक को यासीन मलिक से मिलवा दे? वो बेचारी जो है पूरी दुनिया में जो है अपनी अर्जी लेके घूम रही है, पूरी दुनिया को कायल करने की कोशिश कर रही है। और यासीन मलिक कोई दहशतगर्द नहीं है, यासीन मलिक वहां का पॉलिटिकल लीडर है, यासीन मलिक हुकूक इंसानी की जिद्दोजहद कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मिशाल मलिक को 3 साल से ज्यादा हो गया, आज तक भारत ने मुलाकात का कोई मौका नहीं दिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक मिराज साहब, अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अपना नुकसान उठाया, जो कुर्बानियां दी हैं, वो दुनिया भर के सामने है। अब क्या इस जैसे जासूस को जो जिसने एडमिट किया है, क्या किसी दबाव में इसको छोड़ना चाहिए? क्या कहता है पाकिस्तान? मैं यहाँ पर 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि इस बात को जानना चाहिए कि कुलभूषण यादव जैसे बड़े दहशतगर्द को पकड़ना एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं पाकिस्तानी इदारों को पाकिस्तान के इस तहफ्फुज़ पर और एंटी टेररिज्म के सिलसिले में उनकी जो शानदार कारकर्दगी है उस पर सलाम और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर बैनुल अक्वामी तौर पर यह बात तस्लीम की जा चुकी है कि दहशतगर्दी को कोई एमनेस्टी नहीं मिलना चाहिए। दहशतगर्दी का इलाज ये है कि कैपिटल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और कुलभूषण यादव ने जहां पर सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतारा और हजारों इंसानों की तबाही का इंतजाम किया और करोड़ों इंसानों को एक मुआशी बुहरान से दोचार किया, मैं समझता हूं कि उसकी कम से कम सजा भी सजाए मौत है। पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का तहफ्फुज, पाकिस्तान की आवाज, कुलभूषण को फांसी पे चढ़ाया, इससे कम शायद कोई भी चीज नहीं, हमारे काबिल कबूल नहीं। पीरजादा साहब, एक और बीवी है और एक और बेटी है, बात कर रहा हूं मैं मिशाल मलिक की और उनकी छोटी सी साहबजादी की, जो पिछले 3 साल से यासीन मलिक से अपने शौहर से नहीं मिली। क्या कहते हैं इंडियन मीडिया, कभी बात हुई इसके ऊपर वहां पर? नहीं करते, बात ही नहीं करना चाहते, ना इनको ना यासीन को पासपोर्ट रखा हुआ है, उसका पासपोर्ट नहीं देते। 2014 के बाद मिशाल की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी,
उसको उसके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बना रखे हैं। एक और बात जो मैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, ये बात जहन में रखने की है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कुलभूषण यादव दहशतगर्द को पकड़कर और बड़ी कामयाबी दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ हासिल की है। अब अगर किसी सियासी मसलहत या किसी दबाव के तहत पाकिस्तान का कोई भी अदारा, हुकूमत हो या कोई और अदारा हो, वो अगर मसलहत का शिकार होकर इस शख्स को फांसी नहीं देता, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने 10 साल तजुर्बे की बुनियाद पर जो हिंदुस्तानियों, हिंदुओं और हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मुझे है कि हिंदुस्तान उस सूरत में उसकी रिहाई या मौत की सजा न मिलने की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की इतनी बड़ी मुहिम चलाएगा कि पाकिस्तान की जिंदगी हराम हो जाएगी। यह शख्स दहशतगर्द है, इसकी सजा मौत, और इससे कम सोचना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एहतमाम करना है। भारत आईसीजे में लिखी गया इस केस को, आईसीजे में आप क्या समझते हैं? तो भारत में भी बाकायदा कुछ बातें हुई कि यह थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि आप पाकिस्तान जो है वो जो कश्मीर का मसला है वो आईसीजे में लेके जाएगा, गो के बाद में यह भी कहा गया कि आईसीजे से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशंस का है, वहां पर कश्मीरियों के लिए करारदादें जो है वो मंजूर हो चुकी। जी देखिए, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात समझने की यह है, आईसीजे के मुतालिक हुकूमत नवाज शरीफ ना अहल वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत ने अब नई दिल्ली और मोदी के साथ अपने खसूसी ताल्लुकात की वजह से ये हरकत की कि पाकिस्तान को उस अदालत के सामने पेश कर दिया जिस अदालत को उस वक्त तक कानून के मुताबिक, आप इंटरनेट खोलें, पहले पैराग्राफ में लिखा है कि जब तक दो रियासतें खुद को पेश करके किसी मसले पर यह नहीं कहती कि इस अदालत को हम अपने इस मसले के ऊपर इख्तियार देते हैं समाअत का, उस वक्त तक उनका इख्तियार समाअत शुरू नहीं होता। इस वक्त भी पाकिस्तान इस मुकदमे से अपने आप को अलहदा कर सकता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है बैन अल-कौमी अदालत की, इसका कोई कानून, इसकी कोई इख्तियार नहीं है जो आपके ऊपर लागू हो सके। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि इस अदालत पर एतबार करके जिसमें बेशतर यूरोपीय ममालिक के लोग और उनके ज़ेरे असर लोग बैठे हुए हैं और इंडिया के ज़ेरे असर, आप इस मुकदमे को 100% इंडियन प्रोग्राम्स में आप मौजूद थे, उसमें एक बात यह भी की गई कि नवाज शरीफ जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और पाकिस्तानी इदारे जो है वो ऐसा नहीं चाहते, स्पेशली कुलभूषण जाधव वाले केस में भी इस तरह का भी तस्करा हुआ था वहां पे। जी हर प्रोग्राम में यह बात होती है कि पाकिस्तान में तो सिक्का जो है वो फौज का चलता है, नवाज शरीफ की तो कोई से ही नहीं है। आपको याद है कि जिस वक्त पठानकोट का वाकया हुआ, ये नवाज शरीफ श्रीलंका में था, इसने पाकिस्तान की एजेंसियों से बात करने की बजाय सीधा मोदी को फोन किया अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, और यह तासुर दिया कि जैसे ये वाकया यहाँ से ही हुआ है और उसके बाद गुजरावाला में या किस जगह पर इन लोगों ने FIR तक दर्ज कराई, जबकि बाद की तहकीकात में साबित हुआ कि पठानकोट एक बहुत बड़ा झूठ था। डॉक्टर साहब एक जो वहां पे कि नैरेटिव उनका जो है कि जनाब हमारी हुकूमत जो है वो चाहती है कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो, लेकिन हमारे इदारे नहीं चाहते। मैं समझता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम आज पाकिस्तान के उन इदारों के साथ खड़ी हुई है कि जो इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करके पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी को महफूज और बेहतर बनाना चाहते हैं। कुलभूषण यादव के सिलसिले में किसी ने मसलहत दिखाई, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ़ नहीं करेगी। कुलभूषण जाधव के मामले में किसी ने भी कोई मसलहत दिखाई तो पाकिस्तानी कौम उसे माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात यह कि हुकूमत और हमारी अस्करी क्यादत सब पाकिस्तानी है और सब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। अगर भारत ये साजिश कर रहा है कि इदारों को हुकूमतों से और सियासतदानों से लड़वाने की कोशिश कर रहा है तो अपनी मुंह की खाएगा। अब दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ आवरी का। डॉक्टर मिराजुल हदा सिद्दीकी, अमीर जमात इस्लामी सिंध, और तारिक पीरजादा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।